नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ से संबद्ध सुपर फैसिलिटी अस्पताल चक्रपानपुर आजमगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों का हाथ पांव फूलता नजर आया और आनन फानन में अस्त व्यस्त व्यवस्था को ठीक किया गया। डॉक्टरों ने अपने अधीनस्थ जूनियर डॉक्टरों से तथा विभागाध्यक्षों ने अपने बच्चों से एप्रन यानी सफ़ेद कोट मांगकर पहनने लगे। इस दौरान अस्पताल प्रशासन की अफरा तफरी का माहौल देखने लायक था, लेकिन विडंबना यह है कि जिलाधिकारी भी केवल खाना पूर्ति करके बैरन वापस आ गए। फिर भी इस अवसर पर जिलाधिकारी ने इस चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल के ओपीडी, पर्ची काउंटर एवं मरीजों के प्रतीक्षालय कक्ष का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में स्थापित जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल में फार्मेसी दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण कर दवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया एवं भर्ती मरीजों से वार्ता कर उनके बीमारी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर संतुष्टि व्यक्त किया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग के ओपीडी का निरीक्षण किया गया एवं संतुष्टि व्यक्त की गई। उन्होंने ICU, OT कम्प्लेक्स आदि का निरीक्षण किया एवं उपलब्ध संसाधनों तथा साफ सफाई पर संतुष्टि व्यक्त किया। उन्होंने आयुष्मान योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त किया एवं आयुष्मान योजना को बड़े पैमाने पर प्रसारित करते हुए लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा डेंगू वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया एवं रैन बसेरा को पूर्ण रूप से संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता एवं साफ सफाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अस्पताल प्रशासन को हिदायत दिया कि अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता एवं साफ सफाई को तत्काल सुनिश्चित करें। इस अवसर पर राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के प्रधानाचार्य डॉक्टर RP शर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पांडे, डॉक्टर अमित पटेल एवं डॉक्टर आनंद सिंह सहित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन के संबंधित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।